के अंदर इस वक्त अंदरूनी खिंचातान लगातार चल रही है। लगातार आपको बता दें कि प्रभारियों का लोग विरोध कर रहे हैं, जिसमें खास तौर से शमसुद्दीन रायनी का तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ है। शमसुद्दीन रायनी का आपको बता दें कि विरोध के चलते जगह जगह से हटाया जा रहा है। और खबर यह है कि मेरठ में एक बैठक लेने पहुंचे शमसुद्दीन रायनी की बैठक में मारपीट तक हो चुकी है। बीएसपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। इस दौरान की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन रायनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंडे की लिए बैठक में जमकर हंगामा और मारपिटाई हुई। एक पक्ष की मांग थी कि वर्तमान कार्यकारिणी को पूरी तरीके से भंग किया जाए, और जो वर्तमान कार्यकारिणी के पक्ष के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि कार्यकारिणी दोबारा बने। बाद में शाम को तीन नेता, पूर्व मंत्री योगेंद्र जाटव, पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष प्रधान, पूर्व विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष प्रभु जाटव को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष मोहित कुमार ने बताया कि जिला कार्यकारिणी की बैठक में इन लोगों ने हंगामा किया था, इसके चलते इन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। इसकी जानकारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को भी दी गई है, और उन्हीं के आदेश के बाद इन नेताओं को निष्कासित किया, यानी कि शमसुद्दीन रायनी का विरोध करने वाले तीन नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है।